ये सब क्या है रे? रजिस्टर मैरिज किया है बॉस। रजिस्टर मैरिज? अरे हेमा मेरी बात सुनो, ये सेक्स नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ कि सेक्स जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन सेक्स ही जिंदगी नहीं है। चलिए। अरे 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 कहाँ ले जा रहे हो, ये मेरी बीवी है। कभी आपकी बीवी थी, आज से मेरी बीवी है। प्लीज चिट्टी, आप ऐसे मत बोलिए। कुछ भी हो, दीदी जीजा जी की है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब तुम इसको अपनी बात समझाओ। इन सब बातों का क्या करेंगे हम, तुम चलो। अरे अरे ये तो अन्याय है। क्या अन्याय है? हाँ, मैंने आपके लिए सब किया और चिट्ठी ने मेरे लिए सब किया। कल अगर आप मर जाएंगे तो मुझे तो सफेद साड़ी पहनकर गहने उतार कर निर्मा का ऐड करना पड़ेगा। निर्मा निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा कहकर गाना पड़ेगा। अब चिट्ठी को ही ले लीजिए, मौत तो है ही नहीं है, मैं तो इसी के साथ रहूंगी। अब इसे क्या बताना, चलो फर्स्ट नाइट का टाइम हो गया है। ठीक है जी। ओ माँ। जीजू, ओ माँ। जीजू क्या हुआ? मैं मर जाऊंगी। माँ रूतिका, व्हाट इज दिस? कल तो इसकी शादी हुई थी, आज इतना बड़ा पेट हो गया, ये सब कैसे हो गया, मेरी समझ भी नहीं आ रहा। That is robo power, speed 1 zettabyte, memory 1 terabyte. जीजू, दीदी को अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, अब जल्दी से जाकर कॉल कीजिए। मेरा क्या संबंध है, मैं नहीं जाऊंगा, उस रोबो को बोलो वो फोन करेगा। मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं, आई कैन डू माई ऑपरेशन। हाँ करो, तुम ही करो। क्या करोगे? मुझसे सवाल मत करो, क्लोज द डोर्स एंड गेट आउट। रोबो ए भास्कर, ये बता कौन है तू? हमारा बेटा है जी। हमारा बेटा? इतना बड़ा कैसे हो गया? कैसी बातें करते हैं जी, आपको देखकर समझ में नहीं आ रहा है क्या? यस बॉस, अब कुछ मत बोलिए, इसे अपनी झोली में रख लीजिए, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। जी 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 जी, ये मेरी बदकिस्मती है, तुमने इस रोबो के साथ शादी कर ली और अब उसके बच्चे की माँ बन गई हो और उसी का साथ दे रही हो। जीजू, खुदकुशी करने का मन कर रहा है? ठीक है, अब मैं खुदकुशी कर लूंगा। क्या आपकी बीवी को एक मशीन घुमा रहा है तो आपको सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, और बेटी जैसी साली से आप शादी करेंगे तो मुझे सुसाइड करने की इच्छा नहीं होगी क्या? सही सही कह रही हो। इसीलिए आपको अकल आ जाए तो मैंने और दीदी ने मिलकर ये ड्रामा किया। ड्रामा? जी हाँ, मैंने रोबो बनकर ये ड्रामा किया। और ये बच्चा? ये भी ड्रामा ही है। तो ये कौन है? मेरा कजन है जी। यस बस। क्यों जीजू, अब मुझसे शादी करोगे? नहीं 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 नहीं, मारूंगा। हीरा, थैंक यू वेरी मच हीरा। ये लो। क्या है ये? फ्लाइट के टिकट। कहाँ का? हैदराबाद की। किस लिए? वापस जाने के लिए। जो काम था? काम पूरा हो गया। क्या हो गया? मोहम्मद शफी आया गया बिना बताए, मर भी गया, काम पूरा हो गया। तो फिर? तुम्हें जिस सीन के लिए हम लोगों ने बुलाया था वो सीन पूरा हो चुका है। सीन तो एक ही हुआ है ना? तुम्हें बुलाया ही था सिर्फ एक सीन के लिए। एक सीन करके वापस जाने के लिए? मैं जूनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ मिस्टर कुमार, हीरो हूँ। हीरो ही होता है जो टाइटल से लेकर दी एंड तक हमेशा रहता है। क्लाइमैक्स में विलन को खत्म करके वापस चला जाए तो कैसा रहेगा? काम करने के लिए स्टोरी भी तो होनी चाहिए ना। स्टोरी अभी तो शुरू हुई है,
और आगे बढ़ेगी। जय सिन्हा की स्टोरी खत्म हो चुकी है, देशद्रोही साबित हो चुका है वो। जय सिन्हा देशद्रोही नहीं, देशभक्त है। कौन साबित करेगा इस बात को? जय सिन्हा ही करेगा। साबित करने के लिए जिंदा तो होना चाहिए। जिंदा ही है। कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। तुम हो? यस, मैं हूँ। देश के झंडे का अपमान करने वाले मंत्री को मैंने अपने हाथों से मारा था। झारखंड माजी रक्षा मंत्री को मारने वाला मैं ही हूँ। अफजल गनी को अरेस्ट करने वाला मैं हूँ। दादाजी को बचाने वाला भी मैं हूँ। रजिया के हाथों मैं ही फंसा था और कोर्ट मार्शल भी मेरा ही हुआ था। मैं ही हूँ जय सिन्हा। मुझे देशद्रोही बनाने वाले एक एक की कहानी खत्म करके जय सिन्हा को मैं न्याय दिलाऊंगा। हेलो, आफ्टर ऑल तुम एक सिनेमा के हीरो हो, तुम क्या करोगे? मिस्टर कुमार, सिनेमा के हीरो को इतना बेवकूफ मत समझना। हर किरदार निभाने वाला चरित्र है हमारा। हीरो मतलब सिर्फ रोड की होर्डिंग्स नहीं होती, दीवार के सिर्फ पोस्टर नहीं होते, सिर्फ मनोरंजन का पात्र नहीं। वक्त पड़े तो प्रजा की खातिर वो शेर बनता है, नरसिंहा बनता है, समर सिंह बनता है, और वक्त पड़े तो गद्दारों की जान ले सकता है। सॉरी जितेंद्र साहब, मेजर जय सिम्हा गुजर गए। कंट्रोल, कंट्रोल योरसेल्फ चक्रधर, कंट्रोल योरसेल्फ। दुनिया के लिए जय सिम्हा भी मरा नहीं, हम उसे जिंदा रखेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब अगर बॉडी को गवर्नमेंट को हैंडओवर करेंगे तो उसे देशद्रोही करार दिया जाएगा। यू आर राइट, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। डॉक्टर प्लीज कोऑपरेट विद अस। असली देशद्रोही शिव कुमार है। उसने शफी को मरवाया, जय सिम्हा की बॉडी को सत्ता के अधीन करके उसे देशद्रोही साबित करने की पूरी कोशिश की। इसीलिए नजरें बचाकर हम इन्हें यहां लाए। अब ये बात चक्रधर को पता चले तो जय सिम्हा देशद्रोही नहीं है ये साबित हो जाएगा। ये सब रोकने के लिए शिव कुमार ने बहुत कोशिशें की। आइए आइए ना। सॉरी बेटी, कैसे बताऊं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या बताऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कैसे बताऊं बेटा, तुम्हारा पति मर चुका है। सुनिए, गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। रजनी ने मुझे सब बताया सर, मुझ पर जो देशद्रोही का इल्जाम है उसको मिटाने के लिए कितनी कोशिश की, कैसे कोशिश की, कितनी मेहनत की, कितनी भागा दौड़ी की, सब बता दिया है। सर आपने अपनी जॉब की चिंता नहीं की, डिपार्टमेंट की चिंता नहीं की, गवर्नमेंट की चिंता नहीं की, मेरी चिंता की सर, मेरे प्राणों की चिंता की सर। हैट्स ऑफ टू यू सर।
बॉस, आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था ना? किया था, लेकिन इस तरह एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम कैसे भी एक्सपेक्ट करो, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ मैं आ जाऊंगा। जय सिन्हा देशद्रोही नहीं, असली देशद्रोही तुम हो, ये साबित करूंगा। तुम्हारे जैसे अकलमंदों को बहुत देखा है मैंने। सॉरी, मैंने मेरी फिल्मों के जरिए कई विलन्स को, यानी कि आप जैसे कमीनों को मैंने देखा है। रजनी, आज तुम्हारी एनिवर्सरी है, भूल गई थी क्या? है लक्ष्मी। देखो, आज सिर्फ इनकी मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, जय सिन्हा के मरकर जिंदा होने का भी दिन है। लेट अस सेलिब्रेट मैरिज डे। हार दे दो, हार दो। हेलो पहनो बेटा। मीठा कहाँ है? मीठा मीठा। रुको, पहले पति उसके बाद पत्नी। मेरी जिंदगी में मैंने कई किरदार निभाए, लेकिन पूरी जिंदगी में पति के गुजरने के बाद पत्नी को पति की शान जिंदा रखती है, यह आज तक नहीं देखा था। सॉरी, माफ कीजिए। हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है, पर हर वीर जवान की कामयाबी के पीछे आप जैसी एक पत्नी होती है, यह मैं आज समझ गया। आपसे मुझे एक उम्मीद है। वो वीर जवान ही हमेशा थे, वो देशद्रोही नहीं थे। ये साबित करने के लिए उन्होंने जान की बाजी लगाई। इतने में आप आ गए और मेरे लिए उम्मीद बनकर खड़े हुए। वो देशद्रोही नहीं है, ये साबित करेंगे तो आने वाले जन्म में भी आपकी आभारी रहूंगी। वो देशद्रोही नहीं है, ऐसा साबित कीजिए। वो देशद्रोही नहीं है, ऐसा साबित कीजिए, साबित कीजिए। प्लीज उठ जाइए, उठ जाइए। रजनी, बेटी रजनी।